हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं मीनाक्षी फ्रॉम पवन बाग एकेडमी। बच्चों, पवन बाग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, क्लास 12 का फिजिक्स हम लोगों ने स्टार्ट किया है और आज हम लोग उसका लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। रोटेशनल डायनेमिक्स चैप्टर 1 हमने स्टडी किया है। आज हम लोग टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बच्चों सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आप लोगों ने ऑलरेडी एक्सपीरियंस भी किया होगा और 9th-10th में इसका जो बेसिक है आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है, स्टडी किया है सॉरी। तो 9th-10th में हम लोगों ने इसके बारे में स्टडी किया है, डेफिनेशंस वगैरह, उसके फॉर्मूले भी शायद से आपने स्टडी किए होंगे, है ना। तो आज हम लोग उसके आगे का थोड़ा सा देखेंगे, मतलब उसके फॉर्मूलेज जो हम लोग आगे जाके यूज़ करने वाले हैं वो फॉर्मूलेज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एंड देन इन दोनों में जो डिफरेंस है वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा, छोटा सा टॉपिक है, जल्दी ख़त्म होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रिपिटल फोर्स। तो बच्चों, सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब क्या होता है, देखो द मीनिंग इज प्रेजेंट इटसेल्फ इनटू द वर्ड। सेंट्रिपिटल, सेंटर की तरफ जो फोर्स होता है उसको हम लोग सेंट्रिपिटल फोर्स बोलते हैं। कल हम लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था थोड़ा बहुत, जब हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टडी किया तब हम लोगों ने देखा था। तो मैंने आपको बोला कि जब कोई पार्टिकल सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करता है, सर्क्यूलर मोशन परफॉर्म करते वक्त उस पार्टिकल का टुवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन होता है, राइट ना। कल हम लोगों ने उसकी बात भी की थी। टुवर्ड्स द सेंटर जो एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग ए आर से डिनोट करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, राइट। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमने उसकी रेडियस ली थी जो कहाँ होती है, इट इज़ अवे फ्रॉम द सेंटर, जिसको हमने आर बार से डिनोट किया था, एंड सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेडियल एक्सेलरेशन। इसको सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है, रेडियल एक्सेलरेशन भी बोला जाता है। और हम लोगों ने इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो डिफाइन किया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन मतलब ए आर बार इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वेयर आर बार। ये रिलेशन हमने वेक्टर फॉर्म में डिफाइन किया था और इसी को हम लोग ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर इन स्केलर फॉर्म, ये किसमें, ये इन वेक्टर फॉर्म, थोड़ा सा रिवाइज करती हूँ टॉपिक, एंड ये जो है ये किसमें, स्केलर फॉर्म में। इसमें हम लोग निगेटिव साइन नहीं लेते क्योंकि देखो स्केलर फॉर्म क्यों नहीं लेते, क्योंकि यहाँ पे हम वेक्टर दिखाते, वेक्टर को डिरेक्शन दिखाना ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने डिरेक्शन दिखाने की ज़रूरत नहीं होती स्केलर फॉर्म में। तो डिरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर होने की वजह से हम लोग यहाँ पे निगेटिव साइन दिखाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ए आर जो है टूवर्ड्स द सेंटर, और ये एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी का, बॉडी के ऊपर या फिर पार्टिकल के ऊपर जो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, तो सेंट्रिपिटल फोर्स की डेफिनेशन मैं आपको बताती हूँ, देखो क्या है इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज परफॉर्मिंग सर्क्यूलर मोशन ड्यू टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स, राइट। ओके, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं, ये होगी डिफिनेशन। आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, होप सो, साइमल्टेनियसली अपनी नोटबुक मेंटेन रखो और उसको रिवाइज करते चलो।
तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एफ बार इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया ए बार इज इक्वल टू होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर आर बार। अगर ये फॉर्मूला मैं इसके अंदर पुट करूँ तो मुझे मिलेगा एफ बार इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर बार। तो ये हो गया आपका सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, किसके फॉर्म में, इट इज इन वेक्टर फॉर्म। इसी को हम लोग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। मान लो यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी दी है आपको, तो एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस एंड मास अगर आपको पता होगा तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। बट अगर इन केस आपको उन्होंने टेंजेंशियल वेलोसिटी दी है तो उस वक्त आपका फॉर्मूला चेंज होगा, ओमेगा की जगह पे हम वी का फॉर्मूला पुट करेंगे। तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, आर इंटू ओमेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, वी डिवाइड बाय आर। तो ये फॉर्मूला पुट करने के बाद हमें क्या फॉर्मूला मिलेगा, देखो यहाँ पे हमें मिलेगा एफ बार इज इक्वल टू माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह पे मैं ये पुट करूँगी वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर। ओके, आर बार रहेगा यहाँ पे। तो एफ बार इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, माइनस यहाँ पे एक आर कैंसिल होगा, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर बार। ओके, ये होगा आपका वेक्टर फॉर्म में इन टेंजेंशियल वेलोसिटी। ओके तो बच्चों ये आपका वेक्टर फॉर्म है, दोनों भी बार बार लगाए, माइनस साइन लगाए, तो ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर मुझे बस इन मैग्नीट्यूड लिखना है, बस इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड के फॉर्म में ये क्या आएगा, देखो इट इज़ एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। और अगर आपको इसके फॉर्म में लिखना है तो ये क्या आएगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ये दोनों भी फॉर्मूले आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे जाके बहुत जगह पे आपको यूज़ करने हैं। आया समझ में? तो ये है आपका सेंट्रिपिटल फोर्स। तो सबसे पहले डेफिनेशन, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल विच इज़ परफॉर्मिंग सर्क्युलर मोशन ड्यू टू सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला एफ बार इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। माइनस कब लगेगा बच्चों, जब आपका वेक्टर फॉर्म होगा तभी लगेगा। और मैंने यहाँ पे ओमेगा का फॉर्मूला पुट किया वी डिवाइड बाय आर के फॉर्म में, एफ बार इज इक्वल टू आएगा माइनस एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर बार। और मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आपको ये फॉर्मूला मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे एक नोट आप लोग लिखोगे, देखो बच्चों नोट क्या आएगा कि ये जो फोर्स है सेंट्रिपिटल फोर्स, ये कौन सा फोर्स है, दिस फोर्स इज अ रियल फोर्स, दिस फोर्स इज अ रियल फोर्स। एक्चुअल में वो पार्टिकल के ऊपर ये फोर्स एक्ट हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दिस इज अ रियल फोर्स। ओके, क्योंकि सेंटर की तरफ ये रियल फोर्स एक्ट होता है और एक फंडामेंटल फोर्सेस के अंदर भी आता है, तो ये एक रियल फोर्स है, ऐसे आप लोग लिखोगे। समझ में आया सबको? तो बच्चों ये है हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ओके, तो ये हो गया हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स। अब देखते हैं बच्चों हमारा सेकेंड फोर्स, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखो क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, कब एक्सपीरियंस किया होगा, जब हम लोग जायंट व्हील में बैठते हैं। तो बच्चों जब हम जायंट व्हील में बैठते हैं तो एक आउटवर्ड पुल हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो वो आउटवर्ड पुल जो है इट इज़ नथिंग बट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग लिखेंगे, डेफिनेशन देखो क्या है, इट इज़ अ फोर्स विच इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जो कि सेम किसके जैसा है, मैग्नीट्यूड उसकी कितनी है, जितनी रिजल्टेंट रियल फोर्स मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स की है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट रियल फोर्स, रिजल्टेंट रियल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन that is away from the center called as centrifugal force। साथ में नोट डाउन करें centrifugal force। ओके, तो ये इक्वल इन मैग्नीट्यूड है रियल फोर्स के, मतलब जो सेंट्रिपिटल फोर्स है टूवर्ड्स द सेंटर,
यहाँ पे टूवर्ड्स द सेंटर हमारा सेंट्रिपिटल फोर्स रहेगा, और इसके एग्जैक्ट अपोजिट डिरेक्शन में ये क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो इसकी मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है लेकिन डिरेक्शन अपोजिट है, तो उसका साइन अगर माइनस है तो इसका साइन क्या रहेगा, प्लस। मतलब देखो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, एफ बार इज इक्वल टू, वहाँ पे क्या था, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार था, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार आएगा। और उसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर बार। ओके, बार लगाया तो यहाँ पे दोनों को बार लगाओ, वी बार एंड आर बार। ओके, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड क्या आएगी, एफ इज इक्वल टू बार निकल जाएगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस निगेटिव साइन है ही नहीं, और ये आएगा एम वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये इसका फॉर्मूला रहे सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए। बस आपको माइनस लगाना है, यहाँ पे बस आपको प्लस लगाना है। तो ये दोनों की डेफिनेशन है बच्चों, इसको नोट डाउन करो। अब हम लोग देखते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ओके, स्क्रीनशॉट निकालो चाहे तो इसका बच्चों। उसके बाद देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चों अभी तक हमारे छोटे छोटे टॉपिक्स ही चल रहे, अभी तक मैंने डेरिवेशन स्टार्ट नहीं किए। डेरिवेशन हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, तब वीडियो बहुत बड़ा बनेगा। अभी फ़िलहाल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और ये सब हमने 9th-10th में स्टडी किए हैं, वही टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रिपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे टेबल बनाएंगे, एक कॉलम में आएगा सेंट्रिपिटल फोर्स, दूसरे कॉलम में आएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे मार्कर को इंक डालती हूँ। तो देखो बच्चों इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा, अ फोर्स विच इज टूवर्ड्स द सेंटर एंड अलोंग द रेडियस कॉल्ड एज सेंट्रिपिटल फोर्स। यहाँ पे आएगा पहला पॉइंट, अ फोर्स विच इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड इट इज ऑल्सो अलोंग द रेडियस। ओके, उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट यहाँ पे आएगा, मैंने आपको बोला कि ये क्या होता है, दिस इज रियल फोर्स। ये रियल फोर्स है, एक्चुअल में ये प्रेजेंट है, बट ये हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी फोर्स को ही दूसरा नाम क्या होता है, होप सो आपको पता होगा, इमेजिनरी फोर्स को ही दूसरा नाम होता है शूडो फोर्स। ओके, उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, इसका फॉर्मूला लिख दो, इन वेक्टर फॉर्म इसको हम क्या लिखते हैं, एफ बार इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार। इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इन वेक्टर फॉर्म इसका फॉर्मूला आएगा एफ बार इज इक्वल टू प्लस एम ओमेगा स्क्वायर आर बार, या फिर हम लिखेंगे एम वी स्क्वायर बाय आर बार, और यहाँ पे माइनस एम वी स्क्वायर बाय आर बार। ओके, ये उसका फॉर्मूला। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आप क्या करो, यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख दो कोई। एग्जांपल क्या आएगा, अ स्टोन tied to a string and whirled
इन अ सर्कल। एक स्टोन को हमने स्ट्रिंग को टाई किया और ऐसे वर्ल किया सर्कल में, ओके, वर्ल इन अ सर्कल। देन टेंशन इन अ स्ट्रिंग इज अ सेंट्रिपिटल फोर्स। बच्चों ये नीचे का दिख रहा है, मुझे चेक करने दो एक बार। सेंट्रिपिटल फोर्स, लेट मी चेक। हाँ अब दिख रहा है, देखो। और यहाँ पे क्या एग्जांपल लिखोगे आप लोग, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आप एग्जांपल लिखोगे, अ बकेट फुल ऑफ वाटर रोटेटेड इन अ सर्कल hence water not falls due to centrifugal force। ओके okay? ये आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल। ऐसे तीन चार पॉइंट्स भी आप लोगों ने लिखे तो सफिशियंट है। तो बच्चों ये था आज का हमारा टॉपिक, सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कल हम लोग इसी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है वो मैं आपको बताऊंगी। न्यूमेरिकल्स थोड़े बड़े बड़े हैं तो वो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के अपलोड करूंगी। तो बच्चों पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।